दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 1 बजे फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 1 बजे सुनवाई करेगा। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि चुनाव का मौसम है, असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के सीएम है, इनके खिलाफ कोई और केस नहीं है। तो केजरीवाल की याचिका पर 1 बजे फिर से सुनवाई होने जा रही है, जस्टिस खन्ना ने कहा है। आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और आज उनकी याचिका पर सुनवाई है। अंतरिम जमानत मांगी गई थी और उसी पर आज 1 बजे सुनवाई होनी है। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि चुनाव का मौसम है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। अरविंद केजरीवाल पर सिख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप है और इसी आरोप पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से एनआईए जांच की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने बैन किए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस में से पॉलिटिक फंडिंग ली है।